जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार, आप सभी का अपना चैनल राजमाथोला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे धारा एवं नाव समझे बड़ा सुनो। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक नाव का अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापिस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है तो उस नौका की गति कितनी है। देखिए एक आदमी है जो नाव चला रहा है और 30 किलोमीटर दूरी, माने कि स्थानीय से स्थानीय बीते जा रहा है, तो बीच की दूरी कितना है 30 किलोमीटर, ठीक है। जब वह धारा की दिशा में चलता है, अनुप्रवाह दिशा यानी धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में चल रहेगा तो उसे 2 घंटे में दूरी तय कर लेगा। मान के जो नदी है धारा इसी दिशा में रहा है और नाव जो नाव है उसी इसी दिशा में चल रहा है, धारा भी ए से बी की ओर आ रहा है और नाव भी ए से बी की ओर जा रहा है, यानी दोनों की मेरा दिशा जो है एक ही दिशा में है। जब एक दिशा एक ही दिशा में होगा तो नाव चल पर धारा की चल, मान्यता नाव की चल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चल वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक ही दिशा में चलेगा तो नाव चल प्लस धारा चल दोनों जोड़ते हैं तो चल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चल बराबर होता है दूरी बटा में समय, ठीक है। दूरी में कितना 30 किलोमीटर और समय की लड़ कितना लड़ रहा है। जब समान दिशा में चलेगा यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल तो 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटा में तय कर रहा है, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा स्पीड आ गया। वही दूरी दूरी मेरा समान है जब विपरीत दिशा में चलता है, यानी बी तक पहुँच गया, बी का इधर बी से एक ही ओर आ रहा है और धारा तो इसी दिशा में चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि धारा बदल जाएगा, धारा तो जिस दिशा में चलेगा शुरू में चल रहा है तो उसी दिशा में चलता रहेगा, तो धारा ए से बी की ओर आ जा रहा है। अब नाव जो है उसे बी से एक ही ओर आ रहा है या उल्टा बढ़ रहा है, तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल, दूरी कितना तय कर रहा है 30 किलोमीटर प्रति 30 किलोमीटर, समय लग रहा है 6 घंटा, तो 6 × 35 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब समान दिशा में चल रहा है तो दोनों का स्पीड मिला का है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जब विपरीत दिशा में चलता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि नाव की चल क्या होगा, तो नाव की चल निकलता देखिए एक्स प्लस वाई का माना गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्स माइनस वाई का माना गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 12 का संख्या का मान पूछे तो जो इसको दोनों बराबर की पाठ दोनों को जोड़कर 2 से भागा दीजिए, जब छोटा संख्या का मान पूछे तो दोनों का अंतर लेकर 2 से भागा दीजिए। हमको 12 पूछ रहा है तो 15 × 5 = 20, 20 में 2 से भागा देते हैं तो मेरा कट जाए कितना 10 बार में, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा नाव का चला गया। और धारा का पूछता तो 15 में से 5 घटाते तो 10 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चल जाता है, यहाँ से निकल गया नाव की चल। अब लास्ट में प्रश्न दिया है का, अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं। लास्ट में प्रश्न दिया है जो नाव की चल है धारा की चल के से दुगनी है, नाव की चल प्रवाह की गति नौका की गति की आधी है, जो धारा की गति है 12 वो नाव गति का आधा है तो इसे दुगना भी कर सकते हैं, और ये एक है तो ये 2 है, यानी जो धारा की चाल है नाव की चाल से आधा है। दोनों में किसी का मान रख सकते हैं, या तो समान दिशा में या विपरीत दिशा में। समान दिशा में कितना चल रहा है 30 किलोमीटर, समय कितना रहा 2 घंटा, तो ये कितना का 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कब लगा और इसको हम एक्स देखिए एक मान है इसको 2 मान है, इसे आधा चाल है, वाई के जो मान है धारा की चाल है जो नाव की चाल साधा है, यानी दोनों मिलक जो और समान दिशा में चल रहा है अनुकूल दिशा में चल रहा है तो समान दिशा में या समान कहिए तो नाव की चाल अपना धारा की चाल, यानी 2 × 3 3 यूनिट का मान आया। 3 यूनिट मान कितना है, यूनिट में 3 है और चाल में कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 यूनिट में मानेगा 5। धारा का पूछे तो 100 गुना करते और नाव कहता है तो 200 गुना कर जाता, एक का और एक यूनिट का मानेगा 5 तो पूछ रहा है किसका नाव का, तो 200 का इससे दुगना है
200 गुना कहिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और नॉर्थ के विपरीत फिर निकाल के थी मान लग के निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, प्रश्न 32 क्या कह रहा है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल दिशा तय करने में उसे कितना समय रहेगा। एक मोटर बोट है जिसका चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, बोट का चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल हमको मालूम नहीं है, मान लीजिए कि धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है जब मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो 56 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 45 मिनट दूरी तय करा है, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट 56 किलोमीटर दूरी तय करा है। अब 45 मिनट है तो इसको घंटा बदलने के लिए हम 60 से भाग कर देंगे तो 15 3 45 15 6 60 4 4 3 7 7/4 घंटा, घंटा में मेरा माना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी मेरा कितना है 56 किलोमीटर। जब विपरीत दिशा में चलता है तो नाव की चाल माने धारा की चाल, नाव की चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर टोटल दूरी 56 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, समय कितना लग रहा है 7/4 घंटा, बट्टा में 4 है ऊपर यहाँ से हट कर ऊपर गुना हो जाएगा 4, 7 8 56 8 बार में 8 4 32 नहीं 36 माइनस वाई के माना गया 32। देखिए इस तरह माइनस में तो इस तरह तो प्लस में आएगा तो वाई बराबर 36 माइनस 32 तो 36 से 32 घटाएंगे तो वाई बराबर आ गया मैंने 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न कह रहा है दूरी मेरा समान रहे 56 किलोमीटर और दूरी विपरीत दिशा में तय कर रहा है तो दूरी उतना ही है, दूरी कितना है 56 किलोमीटर। अब धारा के अनुकूल दिशा में चलते हैं, धारा के जब अनुकूल दिशा में चलता है तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल जोड़ते हैं, नाव की चाल कितना है 36 किलोमीटर और प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जोड़ लिए कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकलने के लिए क्या करते हैं, दूरी बटा 4, दूरी कितना 56 किलोमीटर और मेरा चाल कितना गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 6 56 2 से काटा 5 बार में, 4 से काटा था 10 बार में काटा था, फिर 2 से काटा तो 5 7 7/5 घंटा, जैसे मिनट में तुरेगा तो 5 का 5 1 घंटा बचा करना 2/5 बजा तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर लेगा तो 12/5 60 12 24 1 घंटा 24 मिनट। उसी दूरी को और समान दिशा में चलेगा तो 1 घंटा 24 मिनट में दूरी तय कर लेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 32 1 घंटा 24 मिनट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेलने में उसके प्रवाह के साथ खेलने में दुगना समय लगता है, व्यक्ति की स्थिति जल में खेलने की दर क्या है। देखिए एक आदमी जो है कुछ नाव खेल रहा है तो धारा की चाल कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लीजिए कि आदमी जो है स्थान ए से स्थान बी तक नदी में नाव खेल रहा है, ठीक है, नाव खेल रहा है, नाव भी चला बी की ओर और धारा भी चला बी की ओर। प्रश्न कह रहा है जितना समय में स्थान ए से स्थान बी तक पहुंच रहा है उससे धारा की दिशा में जितना समय ले रहा है उससे दुगना समय उसके आने में लग रहा है, तो धारा की चाल तो हम लोग मालूम है कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा, पर नाव की चाल मानते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चल दिया है, धारा यानी प्रवाह की चल दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
देखिए हमको दूरी दोनों स्थान ए से स्थान बी तक जा रहा है और आ रहा है कितना 20 स्थान ए तक, यानी दो मिनट दूरी जो है जो समान दूरी तय कर रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है? और दूरी हम निकालना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। प्रश्न कह रहा है और धारा का जिस अनुकूल दिशा में चलेगा तो उसे जितना समय लग रहा है उसे और लौटने में उससे दुगना समय लग रहा है। तब मान लीजिए जो टाइम लग रहा है टी मान लेता है, समय को मान लिया टी समय लग रहा है, जाने में टी समय लग रहा है, तो आने में कितना लगेगा? टू टी समय। जा रहा था टी समय में और आ रहा है टू टी समय, यानी दुगना समय लग रहा है। जब जाता है धारा की दिशा में तो चाल के दोनों के चाल जोड़ते हैं, नाव चाल और धारा के चाल। तो नाव चाल कितना है? एक्स, और धारा के चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा समान दिशा में जो हुआ यानी या अनुकूल दिशा में हो गया जिस दिशा में पानी बह रहा है, तो समय कितना लग रहा है? टी बराबर ये मेरा टोटल दूरी हो गया। जितना चार साल धारा की दिशा में चलेगा टी समय में चलेगा तो कितना जितना दूरी तय किया उतना ही दूरी। अब धारा के विपरीत दिशा में तो एक्स माइनस दो, अब समय कितना रहा है? दोगुने समय, तो टू टी। टी से टी कैंसिल हो गया, अब बचा कितना? देखिए जितना दूरी यहाँ तय करेगा उतना दूरी, या दूरी दोनों जगह बराबर है तो दूरी बराबर कर लिए। अब एक्स प्लस दो बराबर दो एक्स गुना था टू एक्स माइनस चार, और दो में से एक्स घटेगा कितना बचा? एक्स। इस तरफ माइनस में तो इस तरफ प्लस हो जाएगा, तो दो प्लस चार छः, तो एक्स बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको चाहिए किसका मान? एक्स का मान चाहिए, यानी नाव की चाल या आदमी की चाल थी कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल हमको मालूम हो गया, दोनों का मालूम हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न क्या कह रहा है? स्थिर जल में नाव खेलने के दर क्या है? तो ये यानी नाव की चाल मेरा पूछ रहा है, तो नाव की चाल में कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? शांत जल में एक नाव की चाल 9.13 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी को तय करने में वह उससे तिगुना समय लेती है, धारा का वेग क्या है? एक नाव की चाल दिया है और धारा की चाल हमको पूछ रहा है, ठीक है। देखिए नाव की चाल कितना दिया है? नाव की चाल 9.13 को हम क्या ले सकते हैं? 9 × 27 = 28, 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा नाव की चाल हो गया। धारा की चाल क्या है? दिया नहीं है धारा की चाल, मान लिया कि वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दूरी तय करा है, दूरी में सम मान लिया कि स्थानीय से स्थानीय बीते जा रहा है, स्थानीय से स्थानीय बीते जा रहा है, तो और जितना समय में ए से बी तक डी दूरी मान लीजिए, जितना समय में डी दूरी और जा और धारा की दिशा में ले रहा है, मान कि नाव है, नाव है और धारा, नाव भी इसी दिशा में चल रहा है, धारा भी इसी दिशा में चल रहा है, जितना समय उसे जाने में लग रहा है धारा के साथ है उसके तिगुना समय लग रहा है उसको विपरीत दिशा में चलने के, ठीक है। तो अभी देखे थे दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। जब समान दिशा में चलेगा तो कितना उसे चलेगा? 28/3 + y, दोनों चाल जोड़ेंगे, समय कितना लग रहा है? टी समय, मान लीजिए टी समय लग रहा है। और जब विपरीत दिशा में चलेगा, जब विपरीत टोटल में दूरी आ गया, समान दिशा में चलने में दोनों के चाल का योगफल कर लिए, गुने से कितना समय चल रहा है? तो मेरा टोटल दूरी आ गया, अब दूरी मेरा समान रहेगा तो समान दूरी तो बराबर कर लिए, अब कितना समय कितना रहा है? 3t, इससे तिगुना समय अधिक लग रहा है, और चाल कितना हो गया? 28/3 - y, नाव की चाल माइनस धारा की चाल जब विपरीत दिशा में चला गया था, अब समय लग रहा है इससे तिगुना समय लग रहा है, जितना यहाँ समय लग रहा था उसे तिगुना समय लग रहा है, तो यहाँ 3 गुना। टी से टी कैंसिल हो गया, अब इसे हल करते हैं कितना आएगा? 28/3 + y बराबर, देखिए 28 हम यहाँ काट भी सकते हैं, हम काटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ मेरा 3 है, ठीक है। तो 28 × 3/3 गुना हुआ माइनस 3
वाई। अगर हम माइनस में तीन वाई है इस तरफ ले आएंगे तो कितना आ गया चार वाई बराबर। इधर कितना बचा अट्ठाईस गुण तीन बट्टा तीन, इस तरफ माइनस में आएगा जो यहाँ प्लस में है इस तरफ माइनस आएगा अट्ठाईस माइनस तीन। देखिए दोनों का एलसीएम तीन आएगा तो चार वाई बराबर एलसीएम मेरा तीन आ गया दोनों का। देखिए यहाँ भी अट्ठाईस है और यहाँ भी अट्ठाईस है और यहाँ अट्ठाईस हम कॉमन ले लिया तो यहाँ तीन तीन माइनस एक कितना आ गया दो, तो यहाँ अट्ठाईस गुण दो कर सकते हैं तो अट्ठाईस दोनों कितना होगा छप्पन आठ में सोलह दो चार पाँच मैं छप्पन आ गया। देख ऐसा नहीं और हम अट्ठाईस कॉमन ले लें तो बचा कितना तीन माइनस एक यहाँ एक बच जाएगा और तीन में से एक गया कितना दो, तब अट्ठाईस को हम दो से गुना करना आसानी होगा यहाँ इतना गुना करके फिर घटाने से अच्छा है कि यहाँ कॉमन ले लिए उसके बाद घटा के हम गुना कर लिए ठीक है। अट्ठाईस दिन छप्पन अब चार से इसको काटते हैं चार का चार छोटकर सोलह या चौदह चौदह बटा तीन वाई क्या माना गया चौदह बटा तीन किलोमीटर प्रति घंटा। जब तोड़ते हैं तो चौथिया बारह दो पुना बचा दो दो पूर्णांक दो बटा तीन सॉरी चार पूर्णांक दो बटा तीन किलोमीटर प्रति घंटा किसमें दिया चौंतीस चार पूर्णांक दो बटा तीन ऑप्शन नंबर सी। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर पैंतीस। देखिए पैंतीस क्या कह रहा एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेता है, स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का वेग का अनुपात क्या है। नाव की चाल धारा की चाल का हमको रेशियो पूछ रहा है तो मानिए कि नाव की चाल है एक्स इसको मान लेते हैं नाव की चाल को मानिए एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल को मान लिए वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है अब प्रश्न क्या रहेगा एक निश्चित दूरी तय करने में ठीक है माने कोई स्थान एस स्थान बी तक जा रहा है कोई निश्चित दूरी है डी दूरी मान लिए धारा के और धारा में के दिशा में और नाव चल रहा है जितना समय ले रहा है धारा के विपरीत दिशा का आधा समय ले रहा है धारा और इस दिशा में बढ़ रहा है एस बी की ओर बढ़ रहा है नाव भी एस बी की ओर चल रहा है। ठीक है जब दोनों एक ही दिशा में चलेगा तब धारा के चार प्लस नाव चार को हम जोड़ते हैं एस प्लस वाई। दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर चाल गुने समय चाल हमारा कहता है जब समान दिशा में चला तो दोनों चाल को जोड़ेंगे समय लग रहा है कितना टी ले मान लेते हैं टी मान लेते हैं ठीक है बराबर। अब जब विपरीत दिशा में चलेगा तो नाव की चाल माना धारा की चाल नाव की चाल कितना एक्स माइनस वाई धारा की चाल वाई। ठीक है अब समय लग रहा है जितना यहाँ धारा के साथ जो समय लग रहा है इससे आधा लग रहा है यानी इसमें दुगुना हो गई और इधर टू टी लग रहा है तो इसका आधा समय लग रहा है। अब यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं टी से टी कैंसिल हो गया अब इसको गुना करते हैं कितना एक्स प्लस वाई हो गया यहाँ कुछ तो बचा नहीं यहाँ कितना है टू एक्स माइनस टू वाई। अब इधर प्लस में यह प्लस में है तो दो में से अगर एक्स घटाएंगे कितना का एक्स इस तरह प्लस में है इस तरह माइनस में है तो इस इधर का जुड़ जाएगा तो थ्री वाई। अब एक्स वाई बट्टा वाई कह रहे मेरा रेशियो कितना है तीन बट्टा एक तो तीन रेशियो एक चल का रेशियो इन नाव की चल अथी और धारा की चल पूछ किस रहा नाव की चल और धारा की चल तो ऑप्शन कहना है ऑप्शन है वो बी। ठीक है दोस्तों अगला क्लास में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अगला क्लास में नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है।